नमस्कार, आप देख रहे हैं आईबी इंडिया न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ अरविंद कुमार सिंह। अब जहां सरकार हर घर शौचालय की बात कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बेगूसराय जिले के वार्ड 43 में शौचालय की पहली किस्त की राशि नहीं मिलने से लोग परेशान हैं। लोगों का कहना है कि शौचालय का गड्ढा करवाने के बाद एक सप्ताह के भीतर जिले के मेयर द्वारा पहली किस्त देने की बात कही गई थी, लेकिन एक साल होने को है, अभी तक लाभुकों को कोई राशि नहीं दी गई है। वही वार्ड 43 के नगर पार्षद हेमंत कुमार पिंकू ने कहा कि उन्होंने 15, 31, 33 और 36 के माध्यम से नगर निगम को सूचना दी थी, लेकिन फिर भी इसके प्रति ध्यान नहीं दिया गया। बता दें कि शौचालय की पहली किस्त की राशि नहीं मिलने से लोग अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। अब देखना यह है कि अभी तक लाभुकों को राशि क्यों नहीं मिल पाई है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है। तो वहीं दूसरी तरफ DDC कंचन कपूर ने कहा कि जल्द से जल्द मामले को संज्ञान में लाकर कार्य को पूरा किया जाएगा। शौचालय बनने की प्रक्रिया में उसका जियो टैगिंग, अकाउंट नंबर, आधार नंबर अनिवार्य होना जरूरी है। थोड़ा सा भी उसमें तकनीकी कारणों से गड़बड़ी हो जाती है तो राशि ट्रांसफर होने में दिक्कत होती है। हम लोग उसको जांच करवा लेते हैं, जो भी सहयोग श्रेणी का है, अगर उनकी गड़बड़ी के चलते कुछ तकनीकी कारणों से रुक गया है तो हम लोग उनसे ले करके उसको रेक्टिफाई करा के फिर उसके अकाउंट। वार्ड 43 के वार्ड पार्षद हेमंत कुमार पिंकू ने कहा है कि 2 RTI करने के बाद भी अभी तक इस पे कोई संज्ञान नहीं लिया गया है, इस पर हम लोग अभी संज्ञान लेंगे। सब हम लोग आधार कार्ड जमा किए, सब चीज जमा कर दिए, सब चीज हो गया। महापौर जो है सो ऑर्डर भी दे दिए जो एक सप्ताह के अंदर पैसा आ जाएगा, लेकिन हम लोग को पैसा अभी तक आया नहीं है। शौचालय भी बन तैयार हो गया, पैसा हम लोग को फंसा हुआ है।